ये स्टूडेंट आई एम बैक विद अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? ये एक्चुअली हमारे बिजनेस की ऑल एसेट्स और ऑल लाइबिलिटीज, इन दोनों के बीच रिलेशनशिप शो करती है। इट इज एन अर्थमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन ऑल एसेट्स एंड ऑल लाइबिलिटीज ऑफ अवर फर्म। एक्चुअल में हम या तो पर्सनली जो ओनर होता है अपने लेवल पे पैसा अरेंज करता है बिजनेस के लिए, वो कहलाती है कैपिटल, या फिर वो आउटसाइडर सोर्सेज से, कहीं किसी और सोर्सेज से पैसा अरेंज करता है, वो कहलाती है आउटसाइडर लायबिलिटी। तो हम जो अरेंज करते हैं पर्सनल लेवल पे वो कहलाती है इंटरनल लायबिलिटी, जो कैपिटल होती है, और जो बाहर से पैसा अरेंज करते हैं वो कहलाती है आउटसाइडर लायबिलिटी। तो ये जो लायबिलिटीज है हमारी बिजनेस की, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, उसी से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और बिजनेस में जो भी एसेट्स होती, चाहे हमने मशीनरी परचेज की, चाहे फर्नीचर परचेज किया, चाहे हमारे बैंक बैलेंस में जो है या हमारे पास कैश है, वो सब कहाँ से अरेंज होता है? इन लायबिलिटीज के थ्रू। इसीलिए हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो कहती है कि जितनी हमारी बिजनेस में लायबिलिटीज होगी, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, जितनी भी हमारी बिजनेस की लायबिलिटीज होगी, दैट विल बी इक्वल टू ऑल एसेट्स ऑफ अवर बिजनेस। तो हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन क्या बोलती है? इट इज एन अर्थमेटिकल इक्वेशन। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये अर्थमेटिकल इक्वेशन है, विच शोज that all the assets and liabilities of a firm will be equal due to dual aspect concept. इस accounting equation का logic ये है, ये कहती है कि ये assets और liabilities के बीच एक arithmetical relationship है, और ये कहती है कि जितनी भी हमारी business की assets होगी या जितनी भी हमारी business की liabilities होगी, ये they both will be equal. ठीक, अब इस relationship को हम clear कर रहे हैं। हमने बोला कि जो हमारी एसेट्स है दैट विल बी इक्वल टू अवर ऑल लायबिलिटीज। हमारी एसेट्स जो भी बिजनेस की है वो सारी लायबिलिटी, जैसे लायबिलिटी भी दो तरह की होती है, वो हमने पहले पढ़ा था। एक होती है इंटरनल लायबिलिटी, जो ओनर खुद अरेंज करता है, दैट मीन्स कैपिटल। एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी, जो हम आउटसोर्सेस से अरेंज करते हैं, ना? तो हम थोड़ा इसको डिटेल में लेके चल रहे हैं। दैट मीन्स हमारे बिजनेस की जो भी एसेट्स होगी दे विल बी इक्वल टू कैपिटल, जो कि एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। इसका एक्सपेंशन कर रही हूँ मैं ऑल लाइबिलिटीज का, एक तो कैपिटल और प्लस जो आउटसाइडर लाइबिलिटीज होती है। तो एक तरह से ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई। बस आपको इसको लर्न करना है कि अवर ऑल एसेट्स विल बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। इसमें लाइबिलिटी मीन्स आउटसाइडर लाइबिलिटी होगी, जिसमें शॉर्ट टर्म हो गई, लॉन्ग टर्म हो गई, और कैपिटल मीन्स आपको पता ही है ओनर्स फंड, ओनर ने जो पैसा अरेंज किया। अब हम इस अकाउंटिंग इक्वेशन को प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे क्या होता है। जैसे देखिए, ये इसका फॉर्मेट मैंने आपको बना के रख रखा है। जैसे फर्स्ट कॉलम में आप ट्रांजेक्शन्स शो करोगे, फिर जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या थी, एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, मीन्स इन दोनों का टोटल इक्वल होगा आपकी एसेट्स के। अब हम एक एक ट्रांजेक्शन को लेके ट्राई करते हैं कि कैसे इक्वल होगा। जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल देती हूँ, जैसे ओनर ने 5 लाख रुपीज बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया, मीन्स वो कैपिटल हो गई, ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। तो अब इस अकाउंटिंग इक्वेशन से हम कैसे इसको कोरिलेट करते हैं वो देखिए। 5 लाख रुपीज ओनर लेके आया, दो क्या मैटर हैं, दो कौन से अकाउंट है जिस पे इफेक्ट पड़ेगा, ये हम जर्नल में पढ़ चुके हैं। कैश आएगा हमारे बिजनेस में, फर्स्ट कैश आएगा, और दूसरा आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी। ओनर पैसे लेके आ रहा है, कैश आएगा और कैपिटल इंक्रीज होगी। कैश आपकी क्या है, एसेट्स, और ये रही आपकी कैपिटल। एक चीज ध्यान रखना, ये जब फॉर्मेट बनाओगे आप, तो ये एसेट्स वाले कॉलम में थोड़ा गैप रखना, ताकि हम एसेट्स जो अलग अलग टाइप के एसेट्स आएगी ना, उनका नेम लिखेंगे। सेम लाइबिलिटीज में भी थोड़ा गैप रखना, कैपिटल का कॉलम में ये गैप चलेगा। उसके बाद एक में कॉलम खाली छोड़ा है मैंने, जो ये फॉर्मेट बनाया है। पहले फर्स्ट अपन लिख दिया ट्रांजेक्शन, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। नेक्स्ट कॉलम ब्लैंक है, फिर हमने ट्रांजेक्शन स्टार्ट किए हैं। अब ये ब्लैंक क्यों छोड़ा है वो यूज में बता रही हूँ। हाँ, हमने इंट्रोड्यूस किया, दो अकाउंट है जिसपे इफेक्ट पड़ रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है हमारे बिजनेस में, और एक कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। कैश हमारे एसेट्स वाले कॉलम में आएगी और कैपिटल इस कॉलम में आएगी। अच्छा, तो एसेट्स में अब हमने जो कॉलम बना रखा है, एसेट्स में जो जो आइटम आएंगे, जो जो अकाउंट आएंगे एसेट्स के, जैसे कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, तो उन अकाउंट के हम सेपरेट सेपरेट नेम लिखेंगे, इसीलिए हमने ये स्पेस ब्लैंक रखा है ना। तो एक ये हो गया आपका कैश अकाउंट। हाँ भाई, 5 लाख रुपीज कैपिटल इंट्रोड्यूस, 5 लाख,
तो कैश वाले कॉलम में, अब ये एक अलग कॉलम बन गया कैश का। एसेट साइड चल रही है, एसेट्स में फर्स्ट हो गया कैश, अब इसमें मैं लिख दूंगी 5 लाख रुपीज। दूसरा अकाउंट किस पे इफेक्ट पड़ा है, कैपिटल इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो उसमें कैपिटल में भी 5 लाख रुपीज लिख देंगे। अच्छा, दोनों इंक्रीज हो रहा है इसलिए ये प्लस है, पॉजिटिव शो करना है इसको, 5 लाख और 5 लाख। जब डिक्रीज होगा तो हम इसको माइनस में शो कर देंगे या ब्रैकेट में शो कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अब हम भी हमने हमारा एक ही ट्रांजेक्शन हुआ है जिसमें देखना इक्वल हो गया क्या, ये आपके एसेट्स है 5 लाख, यहां लाइबिलिटी है आपकी 0 और कैपिटल है 5 लाख। अकाउंटिंग इक्वेशन क्लियर हो गई, 5 लाख इज इक्वल टू 5 लाख। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है, हमने विड्रॉ किए, मान लो 50,000 रुपीज हमने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किए बिजनेस में से, क्या कहलाती है वो, ड्रॉइंग्स कहलाती है। दो इफेक्ट बिजनेस में, नंबर वन कैश जा रहा है, एक तो कैश अकाउंट जो कि एसेट्स कहलाती है, एक तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। नंबर टू, ड्रॉइंग्स से आपकी किस पे इफेक्ट पड़ेगा, लाइबिलिटी पे या कैपिटल पे, किस पे इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल डिक्रीज होगी। जो उन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया, मैंने पहले भी बताया था, ड्रॉइंग्स से आपकी कैपिटल डिक्रीज होती है, तो यहां आपकी कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी। कहां कहां इफेक्ट पड़ेगा, कैश जा रहा है और कैपिटल डिक्रीज हो रही, जा रहा है जब आता है तो हम प्लस करते हैं, ठीक है, जब भी ये जो हम अकाउंट शो कर रहे हैं इंक्रीज होंगे तो प्लस करेंगे, डिक्रीज होंगे तो इनको माइनस कर देंगे। हाँ भाई, तो मान लो 50,000 है तो 50,000 को मैं ब्रैकेट में लिख रही हूं, दैट मीन्स इनको माइनस करना है क्योंकि कैश डिक्रीज हो रहा है, जा रहा है, ठीक है। सेम आपकी कैपिटल भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख रही हूं 50,000, ठीक है। यहां आपका कुछ भी नहीं आया है, अब देख लो क्या इक्वल है, माइनस 50,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 50,000, नो इक्वल है। अब हम एक ट्रांजेक्शन हो गया, सेकंड ट्रांजेक्शन हो गया, फिर नेक्स्ट कॉलम जो मैंने बनाया है कैपिटल इंट्रोड्यूस वाला हो गया, विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज हो गया, अब नेट इफेक्ट, हम अब एक बार नेट इफेक्ट निकाल के देख लेते हैं कि क्या ये अकाउंटिंग इक्वेशन सही प्रूव हो रही है या नहीं हो रही है। यहां हमने टोटल नेट निकाला अमाउंट 4,50,000 इज इक्वल टू, इसमें कोई इफेक्ट नहीं, और ये भी 5 लाख प्लस में 50,000 माइनस के, तो नेट आंसर कितना आ गया 4,50,000, इक्वेशन बैलेंस हो रही है, 450 इज इक्वल टू, इधर कुछ भी नहीं है 450। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ये नेट इफेक्ट हो गया, अब हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन का को वापस अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करेंगे, फिर वापस नेट इफेक्ट निकालेंगे, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हमको चलते रहना है। जैसे अगला ट्रांजेक्शन है, हमने गुड्स परचेज की फॉर कैश, 1 लाख रुपीज की गुड्स परचेज की, कहां कहां कैसे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, एसेट्स पे या लाइबिलिटीज पे या कैपिटल पे, कहां कहां इफेक्ट पड़ेगा। हमने गुड्स परचेज की फॉर कैश, तो स्टॉक आ रहा है और कैश जा रहा है, दोनों ही एसेट्स है, आपके कैश भी एसेट्स है और स्टॉक भी एसेट्स है, तो उन कॉलम में तो कोई मतलब ही नहीं है, हमको इस एसेट्स वाले पोर्शन में ही जाना है। दो अकाउंट कौन से है, कैश और स्टॉक। कैश अकाउंट तो हमने ऑलरेडी ब्लॉक बना रखा है कैश अकाउंट का, तो हम दूसरा ब्लॉक एसेट की लिस्ट में एक अगला ब्लॉक किसका बन जाएगा, स्टॉक का। क्या इफेक्ट हो रहा है, ट्रांजेक्शन नंबर थर्ड चल रहा है अपना, गुड्स परचेज फॉर कैश, जिसमें हमारा स्टॉक प्लस हो रहा है और कैश माइनस हो रहा है, स्टॉक आ रहा है, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है तो प्लस में शो करेंगे, और कैश आपका जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करेंगे। जैसे 1 लाख रुपीज का ट्रांजेक्शन है तो स्टॉक में तो लिख देंगे हम प्लस में, ठीक है, और कैश जा रहा है तो कैश वाले कॉलम में, ये नया कॉलम स्टॉक का बन गया, ये आपको बताइए, ये कैश वाले कॉलम में माइनस में लिखती है। इधर कुछ भी नहीं आया और इधर भी कुछ भी नहीं आया, क्या अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल हो गई, बिल्कुल हो गई, ये माइनस के 1 लाख, ये प्लस के 1 लाख, दोनों मिला के 0 हो गए, इज इक्वल टू इस साइड भी 0 हो गया, अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब वापस नेट इफेक्ट निकालो, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन आएगा नेट इफेक्ट आपको निकालना होता है। चलो अगला ट्रांजेक्शन, इससे पहले नेट इफेक्ट निकालने, 450 माइनस 1 लाख, ये हो गया आपका 3 लाख, 50,000, स्टॉक आपका 1 लाख है, इज इक्वल टू, इसमें कुछ भी नहीं है, और ये आपका 4 लाख, 50,000 आपकी कैपिटल है, क्या बैलेंस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 350 ये, 1 लाख ये, टोटल एसेट्स आप 450 एंड लाइबिलिटीज आर 0 एंड कैपिटल इज 450, बैलेंस हो गया है। चलो अब अगला ट्रांजेक्शन स्टार्ट करते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, मान लो 30,000 हमने राम से गुड्स खरीदी 30,000 रुपीज की, क्या क्या इफेक्ट होगा वो हमें क्लियर करना है। राम से परचेज की, दैट मीन्स क्रेडिट परचेज, दो अकाउंट जिसमें इफेक्ट पड़ेगा, गुड्स परचेज की स्टॉक आ रहा है, फर्स्ट अकाउंट स्टॉक अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन क्रेडिट परचेज की राम से, तो राम तो क्रेडिटर हो गया हमारा, दो अकाउंट स्टॉक और क्रेडिटर जिसपे इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट पड़ेगा,
स्टॉक तो एसेट्स की लिस्ट में आएगा, क्रेडिटर आपकी लायबिलिटीज की लिस्ट में आएगा। तो हम दोनों जगह शो कर दें क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। गुड्स परचेज की फ्रॉम राम तो स्टॉक आ रहा है, स्टॉक भी इंक्रीज हो रहा है, और हमने क्रेडिट पे परचेज की तो हमारे क्रेडिटर भी जो कि लायबिलिटी की लिस्ट में आते हैं वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। चलो स्टॉक हमने ऑलरेडी बना रखा है, इसी में प्लस कर दें। 40,000 का मान लो स्टॉक परचेज किया है तो ये स्टॉक प्लस कर दिया, और कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, स्टॉक में तो इफेक्ट पड़ा ही है। नेक्स्ट लायबिलिटीज में क्रेडिटर की लिस्ट में इंक्रीज हो गई, तो लायबिलिटीज में एक कॉलम बना लेते हैं हम, जो जो लायबिलिटीज का नेम आएगा उनकी लिस्ट बनती जाएगी। हाँ भाई, क्रेडिटर की लिस्ट बन गई, ये क्रेडिटर भी इंक्रीज हो रहा है 40,000 से, और कैपिटल में नो चेंज। ये इफेक्ट हुआ है आपका, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है 40,000 से और क्रेडिटर भी इंक्रीज हो रहे हैं, कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, बैलेंस होगी 40,000 इज इक्वल टू 40,000। वापिस वही नेट इफेक्ट, चलो नेट इफेक्ट निकालते हैं। नेट इफेक्ट आपकी कैश तो 350 का 350 ही है, आपका जो स्टॉक है 1 लाख ऑलरेडी था, इस ट्रांजेक्शन की वजह से 140 हो गया है, इज इक्वल टू लायबिलिटीज में आपके क्रेडिटर हैं 40,000 और आपकी कैपिटल है 4,50,000। क्या ये इक्वल है इक्वेशन? बिल्कुल, ये एसेट्स में दो आइटम है, दोनों मिला के आपके 4,90,000 हो रहे हैं, और इधर ये दोनों मिला के भी कितने आ रहे हैं 4,90,000, इक्वल हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। ठीक है, तो एसेट्स और लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल हो रहा है। आगे थोड़ा और कंटिन्यू करने जा रही हूं मैं। नेट इफेक्ट तो निकाल दिया, अभी हमने ऊपर राम से गुड्स परचेज की थी 40,000, तो राम हमारा क्रेडिटर बन गया, तो एक तो स्टॉक इंक्रीज हो गया और हमारा क्रेडिटर भी इंक्रीज हो गया। अब हम राम को पेमेंट करने जा रहे हैं। सपोज राम से जिससे हमने 40,000 की परचेज की थी, हम उसको फुल सेटलमेंट में 39,000 दे रहे हैं, फुल सेटलमेंट, ध्यान रखना देने कितने थे 40,000, फुल सेटलमेंट में दे कितने रहे 39,000, इफेक्ट समझना, 39,000 दे रहे हैं फुल सेटलमेंट में, तो कैश जा रहा है, पहला इफेक्ट कैश पे पड़ेगा, कैश अकाउंट कैश डिक्रीज हो रहा है आपका। सेकंड, आपका जो राम क्रेडिटर था वो भी डिक्रीज हो रहा है, उसको आपने पेमेंट कर दिया, वो जो पैसे मांगता था 40,000 रुपीज, अब वो क्रेडिटर आपका कैंसिल हो रहा है, तो क्रेडिटर भी डिक्रीज हो रहा है। दो इफेक्ट तो समझ में आ गए आपको, नंबर वन 39,000 कैश जा रहा है, कैश अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, नंबर टू क्रेडिटर राम को आपने फुल सेटलमेंट में पेमेंट कर दिया, तो आपका क्रेडिटर भी 40,000 से डिक्रीज हो रहा है। लेकिन क्या है, बैलेंस हो रहा है क्या, अभी मैं करके बताती हूं। पेमेंट टू राम 39,000 है ना, तो कहां कैश में माइनस कर दूं, क्योंकि आपका कैश जा रहा है, ये कैश में मैंने माइनस कर दिया 39,000। जब माइनस करना होता है, नेगेटिव शो करना होता है, तो माइनस साइन नहीं लगाते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके, और क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आपके क्रेडिटर डिक्रीज हो रहे हैं भाई, तो ये क्रेडिटर में भी 40,000 मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, राम को पेमेंट कर दिया तो आपके क्रेडिटर डिक्रीज हो गए। ये दो इफेक्ट तो हमने देख लिया, कैश जा रहा है और क्रेडिटर भी आपके डिक्रीज हो रहे हैं। क्या इक्वेशन हो गई क्या इक्वल, अभी तक तो नहीं लग रहा इक्वल हुई है क्या, इधर तो 39,000 माइनस हो रहे हैं, इधर 40,000 माइनस हो रहे हैं, द इक्वेशन इज नॉट इक्वल। तो फिर क्या इशू रहा है, इशू ये रहा है कि हमें पेमेंट करना था 40,000, हमने उसके बदले में पेमेंट किया 39,000, तो हमको प्रॉफिट हो रहा है 1,000 का, हमको डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है हमें, इसका कहां इफेक्ट जाएगा, 1,000 रुपीज का डिस्काउंट मिला है। ध्यान देना, जब भी हमें हमारे बिजनेस में हमको प्रॉफिट होगा तो हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी, या हमारी कोई इनकम होगी तो भी हमारी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज। प्रॉफिट या इनकम अगर हमको होती है बिजनेस में तो हमारी कैपिटल में उसको प्लस करना है, क्योंकि इससे हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी। अच्छा, हमें अगर लॉस होता है या फिर कोई हमारा एक्सपेंसेस होता है तो हमारी कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो अब इस इफेक्ट को मैं यहां शो करने जा रही हूं, हमने 1,000 रुपीज का क्या हुआ, डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो इससे हमारी कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट है भाई, इनकम बोलो या प्रॉफिट बोलो, इससे हमारी कैपिटल क्या होगी, सॉरी डिस्काउंट हाँ मिला है, तो इससे हमारी कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज होगी। 1,000 हम यहां क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, इंक्रीज हो रही है, इसलिए क्या अब हमारी इक्वेशन इक्वल हो गई है, बिल्कुल, देख लीजिए 39,000 माइनस इज इक्वल टू ये 40 माइनस और ये 1,000 प्लस के हैं, तो दोनों मिला के आपके हो गए 39,000 माइनस, बैलेंस हो गई आपकी इक्वेशन। अब यहां आगे देखना, यहां तक तो हमने कर लिया, वापिस क्या निकालना हमको, नेट इफेक्ट कैसे निकालेंगे, 350 में से 39 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 3 लाख
11,000 तो ये हो गए, ये 140 का 140 है, देर इज नो चेंज. इधर 40,000 पहले प्लस था, इस ट्रांजेक्शन की वजह से माइनस हुआ, ये नील रह गया. यहाँ 450 था, 1,000 और प्लस हुआ, तो ये कितना हो गया, 4,51,000. क्या बैलेंस हो गया है, सब कुछ 451. इधर का टोटल भी एसेट्स का टोटल दोनों मिला के 451 है. फिर बाद में आगे इधर जीरो है, प्लस ये भी क्या है, 451 है. अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस हो रही है. आगे कुछ और ट्रांजेक्शन हम इसी के साथ कंटिन्यू करते चलते हैं. अब जैसे ही अगर अपना ये पेज कंप्लीट हो गया है, तो ये नेट इफेक्ट ब्रॉड फॉरवर्ड मैं यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ. ये अभी एट प्रेजेंट हमारी ये सिचुएशन है, हमारा कैश बैलेंस है 3,11,000, स्टॉक है हमारे पास 140, ये दोनों मिला के एसेट्स आपकी टोटल है. और देख लो ये जो टोटल एसेट्स है 451 इक्वल टू कैपिटल है, अभी लाइबिलिटीज फिलहाल आपकी जीरो है. तो ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन में ही छो रही है. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अब मैं और लिख रही हूँ, गुड्स सोल्ड ऑन कैश. हमने कैश में गुड्स सेल की, वही ले लीजिए 50,000 की, 50,000 की गुड्स सेल की, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, स्टॉक जा रहा है और कैश आ रहा है, दो दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा और दोनों ही एसेट्स हैं. तो इस ट्रांजेक्शन का आपके लाइबिलिटीज पे और कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. हमने कैश में गुड्स सेल की तो केवल कैश और स्टॉक दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा. 1,00,000 की सेल की है तो 3,11,000 कैश आ रहा है कि जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है कैश, ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, सॉरी कैश आ रहा है ना, सेल कर रहे हैं तब तो कैश आएगा, तो 1,00,000 तो कैश इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करेंगे, और आपका स्टॉक जा रहा है तो 1,00,000 यहां ब्रैकेट में लिख देंगे, मींस नेगेटिव हो गया, इज इक्वल टू नो इफेक्ट ऑन क्रेडिटर एंड नो इफेक्ट ऑन कैपिटल. बट फिर भी ये मैच हो रहा है, 1,00,000 एसेट्स में ही प्लस हो रहे हैं, 1,00,000 एसेट्स में ही माइनस हो रहे हैं, जीरो इज इक्वल टू जीरो. नाउ नेट इफेक्ट 311 ऑलरेडी था, 1,00,000 और कैश इंक्रीज हो गया, तो इधर नेट इफेक्ट आपका 4,11,000 हो जाएगा. 140 में से 1,00,000 डिक्रीज हो गया तो आपका जो स्टॉक है वो 40,000 हो जाएगा, इज इक्वल टू निल. और आपके जो कैपिटल है फिलहाल वो की वही है 4,51,000, देर इज नो चेंज, बट इक्वेशन मैच हो रही है अभी. नेक्स्ट हमने गुड सेल की मोहन को, मोहन को हमने 60,000 की गुड सेल की, इफेक्ट देखते हैं गुड सेल की मोहन को, दैट मीन्स क्रेडिट है, क्रेडिट सेल है, क्या इफेक्ट पड़ेगा, सेल की स्टॉक जा रहा है, एक इफेक्ट तो आपका स्टॉक जा रहा है, अच्छा क्रेडिट पे सेल की मोहन को तो आपका डेटर बढ़ गए, डेटर इंक्रीज हो रहे हैं, दो इफेक्ट होंगे, नंबर वन स्टॉक जा रहा है लेकिन आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हो तो मोहन आपका डेटर बन गया है, तो डेटर आपका इंक्रीज हो रहा है. कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ेगा, एक तो स्टॉक जा रहा है या माइनस होगा, तो यहां मैं ब्रैकेट में लिख दूं, 60,000 का आपका स्टॉक जा रहा है क्योंकि स्टॉक डिक्रीज हो रहा है, ब्रैकेट में लिखेंगे. और क्या इफेक्ट पड़ा, डेटर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमने मोहन को क्रेडिट सेल किया है, तो आपका डेटर इंक्रीज हो रहे हैं, और डेटर्स आर एसेट्स, डेटर भी आपके एसेट्स होते हैं, तो एसेट्स की लिस्ट आपकी बढ़ती जा रही है, कैश आ गया, स्टॉक आ गया, अब आपके डेटर्स भी आ गए, और क्योंकि इंक्रीज हो रहे हैं 60,000 से तो यहां प्लस कर देंगे, और कहीं कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्रेडिट सेल का, स्टॉक जा रहा है और डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, देयर विल बी नो इफेक्ट इन लायबिलिटीज एंड कैपिटल. अगेन नेट इफेक्ट 411, ये तो एज इट इज रहेगा, ये आपका ब्रैकेट में 20,000 हो रहा है, हालांकि ऐसा होता नहीं है पर आगे हम कंटिन्यू कर लेंगे इसको, और 60,000 आपके डेटर्स हैं, इज इक्वल टू आपकी इक्वेशन अभी फिलहाल कंटिन्यू जा रही है. हाँ, नेक्स्ट पेमेंट टू मोहन इन फुल सेटलमेंट. हम गुड सोल्ड टू मोहन 20,000 कर लेते हैं ताकि, क्योंकि अपना माइनस में कभी भी नहीं होता है स्टॉक. स्टॉक नेगेटिव नहीं होता है इसलिए. हाँ भाई, 40,000 आपका था और 20,000 के आपने गुड सेल कर दी तो अब आपका स्टॉक 20,000 रह गया है, डेटर्स भी आपके 20,000 से इंक्रीज रह गए हैं और इफेक्ट आपका इक्वल है. चलो आगे चलते हैं. मोहन जिससे हमने 20,000 की गुड सेल की थी, उससे हमें पेमेंट आ रहा है, पेमेंट फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट. हाँ,
हम उससे 20,000 रुपीज मांगते हैं और उससे फुल सेटलमेंट में मांग लीजिए 19,000 आ रहे हैं। हमने उसको 20,000 की गुड सेल की थी और उससे फुल सेटलमेंट में 19,000 रिसीव हो रहे हैं। क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा? नंबर वन, कैश आ रहा है 19,000, तो एक तो कैश क्या कर देंगे, हम कैश में प्लस कर देंगे। ठीक, चलो कैश आ रहा है जो तो प्लस कर दिया, और क्या इफेक्ट पड़ेगा? मोहन हमारा डेटर है वो डिक्रीज हो जाएगा 20,000 से। इफेक्ट में शो करती जा रही हूं कंटिन्यू। हाँ भाई, मोहन जिसको हमने 20,000 की गुड सेल की थी वो हमें फुल सेटलमेंट में 19,000 दे रहा है। नंबर वन, कैश आ रहा है, कैश में मैं प्लस कर दूंगी 19,000। नंबर टू, मोहन जो आपका डेटर्स था वो डिक्रीज हो रहा है, 20,000 से डेटर था वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख दूंगी माइनस। क्या अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट हो गई? मोहन का हमने फुल सेटलमेंट में 20,000 के बदले 19,000 का पेमेंट किया। नंबर वन, कैश जा रहा, सॉरी पेमेंट लिया हमने मोहन से। नंबर वन, कैश आ रहा है 19,000। नंबर टू, मोहन हमारा डेटर था जो डिक्रीज हो रहा है, बट ये अकाउंटिंग इक्वेशन भी कंप्लीट नहीं हो रही। वजह क्या रही? हमारे पास हमको पैसे लेने थे 20,000, लेकिन उसने हमें दिए 19,000, वो भी फुल सेटलमेंट में। इसका मतलब हमने उसको 1,000 रुपीज का क्या दिया है? डिस्काउंट अलाउ किया है। अच्छा, डिस्काउंट अलाउ किया, दैट इज द एक्सपेंडिचर फॉर अवर कंपनी। और अगर कंपनी या फर्म एक्सपेंडिचर करती है तो हमारी कैपिटल क्या होती है? डिक्रीज होती है। हाँ भाई, 1,000 का एक्सपेंडिचर की वजह से हमारी कैपिटल क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, 1,000 से डिक्रीज होगी, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख रही हूँ। क्या अब बैलेंस हो गया आपकी इक्वेशन? यस, 19,000 प्लस के हैं, इधर 20,000 माइनस के हैं, नेट इफेक्ट माइनस 1,000 और उधर इज इक्वल टू माइनस 1,000, बैलेंस हो गई। आगे अब इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, टोटल वही नेट इफेक्ट निकालना, 4,30,000। ये आपका 20,000 का 20,000 ही, स्टॉक में नो चेंज। अच्छा, ये आपके जो डेटर हैं जीरो हो गए हैं क्योंकि हम फुल पेमेंट आ गया है हमसे, इज इक्वल टू क्रेडिटर भी अभी नहीं है, और आपके जो कैपिटल है फाइनली नेट इफेक्ट के हिसाब से 450 ही बची है। क्या बैलेंस हो रहा है? 430 ये, 20 ये, इज इक्वल टू 450। अगला ट्रांजेक्शन हम ट्राई करते हैं, हमने फर्नीचर परचेज किया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है फर्नीचर परचेज किया। इफेक्ट पहले कौन से दो अकाउंट इस पे इफेक्ट पड़ेगा? फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, दो अकाउंट, फर्नीचर और कैश, दोनों ही एसेट्स है, लाइबिलिटी में है ही नहीं, एसेट्स है दोनों ही। चलो एसेट्स है तो हम क्या करते हैं, फर्नीचर और कैश दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। कैश अकाउंट ऑलरेडी मेंटेन कर रखा है हमने एसेट्स की लिस्ट में, क्योंकि फर्नीचर भी एसेट्स है, हमने फर्नीचर का कॉलम और बना लिया। फर्नीचर परचेज किया, कैश जा रहा है, 10,000 का मान लो फर्नीचर परचेज किया, कैश जा रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है, तो ब्रैकेट में लिख देंगे 10,000। और फर्नीचर इसमें कोई इफेक्ट नहीं, इसमें कोई इफेक्ट नहीं, आपका फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है 10,000 से, तो ये प्लस में लिख देंगे। दो अकाउंट है जिसपे इफेक्ट पड़ा है, कैश जा रहा है, फर्नीचर आ रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑन लायबिलिटीज एंड ऑन कैपिटल। बट फिर भी इक्वेशन मैच हो रही है, ये 10,000 एसेट्स में प्लस हुए और 10,000 एसेट्स में माइनस हुए, इधर भी जीरो उधर भी जीरो। नाउ नेट इफेक्ट, 430 में से 10,000 माइनस करने हैं, आपका कैश तो बचा है 420, आपका जो स्टॉक है वो बचा है 20,000, आपका जो डेटर्स हैं वो फिलहाल नील है, आपका जो फर्नीचर है वो है टोटल 10,000। ये तो होगी एसेट साइड, इज इक्वल टू क्रेडिटर्स में फिलहाल कुछ नहीं है, और लाइबिलिटी आपकी 4,50,000। ओके, अब ऐसे ही जैसे हमने फर्नीचर परचेज किया, हम मशीनरी सेल करके देखते हैं। मशीनरी सेल कब करेंगे, लेकिन पहले मशीनरी होनी चाहिए। चलो हम फर्नीचर ही सेल कर देते हैं, फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर सेल कर रहे हैं। हमने इसको परचेज किया था 10,000 का, हम 3,000 का फर्नीचर हमें यूज में नहीं आ रहा है, सेल करने हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन फर्नीचर सोल्ड, इफेक्ट बताइए, फर्नीचर सेल किया, कैश आ रहा है और फर्नीचर जा रहा है, दो अकाउंट जिस पे इफेक्ट पड़ेगा, कैश अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट। चलो कैश आ रहा है, 3,000 रुपीज में सेल किया भाई, है ना, तो नंबर वन कैश में ये 3,000 प्लस होंगे, इनमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, और फर्नीचर जा रहा है, फर्नीचर डिक्रीज हो रहा है, तो फर्नीचर में ये 3,000 क्या होंगे? माइनस होंगे, इधर ये प्लस हो गए, कैश आ रहा है इसलिए, और ये आपका 3,000 का जो फर्नीचर है वो डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस हो गए, फिलहाल यहाँ कोई चेंज नहीं है। इस तरह से आपका नेट इफेक्ट हो गया 4,23,000, इधर हो गया 20,000 एज इट इज है, इधर
निल है, इधर 10,000 में से 3,000 माइनस हो जाएंगे, ये 7,000 है, इज इक्वल टू, इधर कुछ भी नहीं है, और इधर आपका 4,50,000 है। फिर आगे ये जो नेट इफेक्ट है, हम नेक्स्ट पेज पे जब जाएंगे तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। अब हम वही नेट इफेक्ट को नेक्स्ट पेज से कंटिन्यू कर रहे हैं। फिलहाल आपकी सिचुएशन है, कैश है आपका 423, स्टॉक है आपका 20,000, डेटर्स नील है, फर्नीचर 7,000 है, क्रेडिटर फिलहाल नहीं है, और कैपिटल आपकी 4,50,000। आगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कंटिन्यू कर रहे हैं, लोन टेकन। मान लीजिए हमने 2,00,000 रुपीज का लोन लिया है, कौन से दो अकाउंट इस पर इफेक्ट पड़ेगा? एक तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा लोन लेने से, और आपका एक लोन आपकी लायबिलिटी है, वो लोन भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। दो अकाउंट, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा जो कि आपकी एसेट्स है, और लोन जो कि आपकी लायबिलिटी है वो भी इंक्रीज होगा। मींस एसेट साइड में भी इंक्रीज होगा, लायबिलिटी साइड में भी इंक्रीज होगा, तो हम दोनों जगह शो करते हैं। हाँ, लोन लिया, बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, एसेट्स, बैंक बैलेंस आपके एसेट साइड में होता है, एसेट्स में एक अकाउंट और आ गया, इतने अकाउंट ऑलरेडी है, कैश, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, अब कौन सा अकाउंट आ गया आपका, बैंक अकाउंट। 2,00,000 रुपीज का लोन लिया, इनमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, 2,00,000 रुपीज का लोन लिया तो आपके बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, प्लस में लिख दोगे 2,00,000 रुपीज, ठीक है, और वो लोन लिया, दैट इज योर लायबिलिटी। अब यहाँ लायबिलिटी साइड में आ जाओ, क्रेडिटर का कॉलम आपने ऑलरेडी बना रखा है, अब आपने लोन लिया, एक लोन का कॉलम हो जाएगा, और वो भी आपके इंक्रीज हो रहा है 2,00,000 रुपीज से। इधर कोई इफेक्ट नहीं, इधर आगे कोई इफेक्ट नहीं, कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं। ये आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में ये इफेक्ट शो होगा आपका लोन लेने का, बैंक बैलेंस में भी इंक्रीज, और इधर लाइबिलिटीज में एक कॉलम और बन गया आपका लोन का, वो भी आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज। फाइनली रिजल्ट देखते हैं, कैश आपका वो का वही एज इट इज 4,23,000, स्टॉक आपका 20,000, डेटर्स नील, फर्नीचर आपका 7,000, बैंक बैलेंस आपका नया आइटम आ गया है 2,00,000, इज इक्वल टू, इधर कुछ भी नहीं है, आपका लोन है 2,00,000 का, और प्लस आपकी कैपिटल है 4,50,000। क्या टोटल मैच हो रही है? आपकी लायबिलिटी साइड की दोनों आइटम मिला के, लायबिलिटी और कैपिटल मिला के, आपके 2,00,000 और 4,50 यानी 6,50,000 हो रहे हैं। तो क्या एसेट्स भी 6,50 है? 4,23,27 और 2,00,000, यस इक्वल है, 6,50 इक्वल। अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम सैलरी पे की उस पे जा रहे हैं, सैलरी पेड एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, आपकी कैपिटल क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ध्यान रखना, एक्सपेंसेस और अगर लॉसेस ये दोनों होंगे तो उससे आपकी जो आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की एक्सपेंसेस की वजह से और लॉसेस की वजह से आपकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, और अगर इनकम है या कोई प्रॉफिट हो रहा है तो नेचुरल है, इनकम होने से या प्रॉफिट होने से आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलो सैलरी पे की क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो देखते हैं। 30,000 रुपीज सैलरी पे की कैश जा रहा है, नंबर वन कैश अकाउंट में आ जाइए, यहां पे आपका 30,000 से कैश डिक्रीज हो रहा है, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा सैलरी पे की। और दूसरा इफेक्ट और कहीं इसका, इधर तो कोई असर नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, यहां भी नहीं होगा, लेकिन सैलरी आपका एक्सपेंडिचर है, और आपके एक्सपेंडिचर की वजह से आपकी जो कैपिटल इस 30,000 रुपीज से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए इसको ब्रैकेट में शो करेंगे। ओके, फाइनली नेट इफेक्ट 423 से आपके 30,000 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, आपका बैलेंस बचेगा 3,93,000 आपका कैश बचेगा, 20,000 आपका स्टॉक होगा, डेटर्स नील, 7,000 आपकी फर्नीचर, 2,00,000 आपका बैंक बैलेंस इज इक्वल टू, फिलहाल क्रेडिटर्स नहीं है, 2,00,000 आपकी लायबिलिटी में लोन है, और आपकी अब कैपिटल 450 थी, 30,000 से आपने सैलरी पे की तो अब आपकी कैपिटल 420 रह गई है। इक्वल है भाई, दोनों मैच हो रहा है, नेट इफेक्ट में दीज ऑल एसेट्स आर इक्वल टू दीज। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड कैश आ रहा है, और इंटरेस्ट आपकी इनकम है, और इनकम से आपकी कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंटरेस्ट रिसीव कर लेते हैं हम 10,000 रुपीज, कैश आ रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है,
10,000 कैश में प्लस कर देंगे और कहीं कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन इंटरेस्ट आपकी क्योंकि इनकम है और इनकम से आपकी कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो इसमें भी क्या कर देंगे हम, कैपिटल में भी क्या कर देंगे, प्लस। बस दोनों जगह इफेक्ट आएगा, नंबर वन कैश इंक्रीज होगा और आपकी कैपिटल भी इंक्रीज होगी क्योंकि ये इनकम है। आगे वापस नेट इफेक्ट 393, 10,000 ये हो गया 4 लाख, 3,000, 20,000 से कंटिन्यू चलता जाएगा आपका, 7,000 इधर होगा 2 लाख इज इक्वल टू 2 लाख और इधर 420 ऑलरेडी थी कैपिटल, अभी हो जाएगी 4,30,000। आगे अगला ट्रांजेक्शन ट्राई करते हैं, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 फोर रुपीज 18,000। हमने 15,000 रुपीज की गुड्स को कितने रुपीज में सेल किया, 18,000 में। वही इफेक्ट देखो, 15,000 की गुड्स जा रही है लेकिन हमने उसको सेल किया 18 में, तो कैश कितना आ रहा है, 18,000। गुड्स जा रही है और कैश आ रहा है, दोनों कहाँ है अकाउंट, एक तो ये रहा कैश और ये गुड्स, दोनों ही ये रहे आपके अकाउंट, यहाँ शो कर दे इनका इफेक्ट। चलो एक तो कैश में और एक स्टॉक में, हाँ 15,000 के गुड्स 18 में सेल की, कैश आ रहा है, प्लस कर दूं यहाँ पे, कैश इंक्रीज हो रहा है 18,000, ठीक है, और स्टॉक जा रहा है लेकिन वो 15 का ही जा रहा है भाई, तो स्टॉक में से जो माइनस करेंगे हम 15,000 ही माइनस करेंगे, बाकी और कहीं है ही नहीं इफेक्ट, कैश आ रहा है इसलिए हमने 18,000 प्लस कर दिए, स्टॉक था 15 का तो 15,000 का ही स्टॉक डिक्रीज हो रहा है इसलिए हमने 15,000 माइनस कर दिए, और कहाँ इफेक्ट, क्या इक्वेशन इक्वल हो गई क्या, नहीं हुई है। अभी तो एसेट साइड में 18 प्लस के हैं और 15 माइनस के, तो 3,000 प्लस के हैं, लायबिलिटी में तो कुछ चेंज किया ही नहीं अभी हमने, तो फिर इक्वल नहीं हो रही है, इधर 3,000 एसेट्स में आ रहे हैं इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल में जीरो चेंज, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इक्वल चेंज आता है, तो फिर क्या चेंज आना चाहिए, तो चेंज ये आना चाहिए कि आपने 15 का आइटम 18 में सेल किया तो 3,000 का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और 3,000 का क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट होने से आपकी कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज होती है, इसीलिए हम ये 3,000 को कैपिटल में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 3,000 का जो प्रॉफिट है इससे कैपिटल इंक्रीज हो रही है इसलिए प्लस कर दिया। ओके वही सेम नेट इफेक्ट 4,300 ऑलरेडी था, 18,000 और आ गया है तो 4,00,000, 21,000 आपका कैश बैलेंस हो गया है, 20,000 आपका स्टॉक था, 15,000 आपने सेल कर दिया है, अब ये बचा है आपका 5,000 नील, ये वो एज इट इज है आपका 7,000, ये आपका 2,00,000 एज इट इज है नील नील, और आपका जो लोन है 2,00,000 अभी भी पड़ा हुआ है, 430 आपकी कैपिटल थी, अभी आपको 3,000 का प्रॉफिट हो गया तो आपकी कैपिटल अब हो गई 4,33,000 टोटल, इधर इस साइड लायबिलिटी और कैपिटल मिला के 2,00,000 ये 433 ये 633 हो रहे हैं, तो क्या सारी एसेट्स मिला के भी 633 है क्या, बिल्कुल 421 बिल्कुल इक्वल हो रही है। ठीक, अगला है डेप्रिशिएशन चार्ज्ड ऑन फर्नीचर, ये रहा भी आपका फर्नीचर 7,000 का फर्नीचर था और अब हम उस पर डेप्रिशिएशन लगाने जा रहे हैं, मान लो 1,000 रुपीज का डेप्रिशिएशन लगाना है तो हम उसको इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में उस डेप्रिशिएशन को कैसे शो करेंगे, फर्नीचर पे 1,000 का डेप्रिशिएशन चार्ज करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो डेप्रिशिएशन है दैट इज द एक्सपेंडिचर फॉर द फर्म, और फर्म के एक्सपेंडिचर की वजह से आपकी कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो पहला इफेक्ट इस डेप्रिशिएशन का कैपिटल डिक्रीज होगी, तो हम कैपिटल से 1,000 क्या करेंगे डेप्रिशिएशन के माइनस करेंगे क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है। सेकंड इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि 7,000 का आपका फर्नीचर है और हम इस पर डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे तो आपकी फर्नीचर की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, तो ये 1,000 हम फर्नीचर से भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर का दो जगह इफेक्ट, नंबर वन इट इज एन एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म सो इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, नंबर टू आपका जो फर्नीचर है वो भी डिक्रीज हो रहा है डेप्रिशिएशन की वजह से, उसकी वैल्यू भी डाउन हो रही है तो फर्नीचर से भी उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट वही नेट इफेक्ट लेते हैं, आपका नेट इफेक्ट 4,21,000 कैश है, 5,000 आपका स्टॉक है, डेटर्स नील है, फर्नीचर 7 था, अभी 1,000 का डेप्रिशिएशन लग गया तो इसीलिए अब आपका फर्नीचर है 6,000, 2,00,000 रुपीज आपकी बैंक बैलेंस है और 2,00,000 रुपीज का आपका लोन है, क्रेडिटर्स नील है और आपकी जो कैपिटल 433 थी डेप्रिशिएशन की वजह से वो कैपिटल आपकी 4,32,000 हो गई। ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन अभी भी लास्ट में भी देख लीजिए,
इक्वल हो रहे हैं, ये जो टोटल है एसेट्स का दैट इज इक्वल टू दैट अमाउंट। अब वो ही हम इस नेट इफेक्ट को कैरी फॉरवर्ड करके नेक्स्ट आगे ले जाएंगे। यस, नेट इफेक्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये आपकी प्रेजेंट में सिचुएशन है, आपका कैश बैलेंस, स्टॉक, फर्नीचर, बैंक बैलेंस, क्रेडिटर नील है, लोन ले रखा है आपने, और आपकी जो कैपिटल है दैट इज इक्वल टू 4,32,000। अब कुछ ट्रांजेक्शन्स और बच गए हैं, 5-6 ट्रांजेक्शन और हैं, तो आपका अकाउंटिंग इक्वेशन का जो कंसेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने करीब करीब सारे ट्रांजेक्शन ले लिए हैं जो आपके इस अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक में आते हैं। अब जो हम मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको ले रही हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या से क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका केवल कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा, वो भी कैसे पड़ेगा जो समझना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो 1,000 रुपीज़ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके बिजनेस के लिए इनकम है कि एक्सपेंडिचर है, पहले ये क्लियर करते हैं। हम जो ओनर है उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं क्योंकि उसने कैपिटल इन्वेस्ट की है। तो बताओ आपकी फर्म के लिए, क्योंकि आप फर्म के ओनर को इंटरेस्ट दे रहे हो उसकी कैपिटल के लिए, तो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर से आपकी कैपिटल क्या होती है, डिक्रीज होती है, ये पता है ना आपने को। तो ये 1,000 जो देंगे, एक तरह से देखें तो ये 1,000 से आपकी कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी, IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये हमारी फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है। चलो ये तो हो गया कि कैपिटल डिक्रीज हो रही है। दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा, ड्यूअल एस्पेक्ट तो चलता ही है ना, दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हम पार्टनर को दे सॉरी ओनर को दे रहे हैं तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी। तो ये इसका इफेक्ट यहीं पे ये 1,000 अगेन प्लस हो जाएगा। दो वजह है, एक बार ये 1,000 एक वजह से माइनस होगा कैपिटल में से ही, और यही 1,000 दूसरी वजह से प्लस हो जाएगा। माइनस क्यों होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है, इसीलिए हमारी कैपिटल डिक्रीज होगी, इसलिए माइनस होगा। नंबर टू, हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर को दे रहे हैं इसलिए उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, तो इसलिए इसी कैपिटल में क्या होगा, प्लस होगा। अब देखना, और कहीं कोई इफेक्ट नहीं है, ना यहाँ ना यहाँ, कहीं पे भी कोई इफेक्ट नहीं। केवल इफेक्ट किस पे आएगा, कैपिटल में, और इसमें भी इफेक्ट कहाँ से आएगा, एक बार ये 1,000 माइनस हो रहा है, अगेन ये 1,000 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे भी इसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, अमाउंट आपकी सेम एज इट इज रहेगी, 421 ये रहेगा, 5,000 आपका स्टॉक रहेगा, फर्नीचर आपका एज इट इज 6,000 रहेगा, बैंक बैलेंस आपका एज इट इज 2,00,000 रहेगा, लोन भी आपका एज इट इज 2,00,000 रहेगा, और कैपिटल में भी देयर विल बी नो चेंज, क्योंकि 1,00,000 माइनस हुए अगेन 1,00,000 प्लस हो गए, तो कैपिटल भी आपकी 4,32,000 ही रहेगी। आगे सेम इसी टाइप का एक और ट्रांजेक्शन है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यह हमारी फर्म के लिए इनकम होती है। कैसे होती है कि अगर ओनर हमारे बिजनेस में से कोई ड्रॉइंग करता है तो हमारी फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज करती है। अगर ओनर पैसा विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए तो हमारी कंपनी, हमारी फर्म, हमारे बिजनेस उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो यह है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, हमारी फर्म के लिए इनकम है, और इनकम से कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज। मान लो 2,000 का IOD है, और ये इनकम क्योंकि हमारे बिजनेस के लिए इनकम है IOD, तो ये 2,000 क्या होंगे, प्लस होंगे, इनकम है इस वजह से। अच्छा, ये IOD हमारे बिजनेस के लिए इनकम है इसलिए प्लस कर दिए। अच्छा, ये हम काट किसके अकाउंट से रहे हैं, ये अमाउंट जो IOD की है हम ये ओनर के अकाउंट से काट रहे हैं, तो ओनर की कैपिटल इस वजह से उसकी कैपिटल क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सेम इफेक्ट ओनली कैपिटल अकाउंट पे। नंबर वन, क्योंकि ये हमारी कंपनी की, हमारी फर्म की इनकम है इसलिए कैपिटल इंक्रीज हो रही है इनकम की वजह से 2,000, और ये IOD हम हमारे ओनर से चार्ज कर रहे हैं तो उसकी कैपिटल उस वजह से डिक्रीज हो रही है। सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन ऑन अवर अकाउंटिंग इक्वेशन। तो वापिस आपके जो बैलेंस है नेट इफेक्ट, वो वापिस रिपीट करते जाए, ये 4,21,000, दैट विल बी 5,000, दैट विल बी 6,000, दैट विल बी 2,00,000 रुपीज, our loan will be as usual 2,00,000 rupees, and there will be no change in our capital 4,32,000। next transaction, अब कुछ transaction है जो adjustment वाले जो topic है उससे related है। आपका एक transaction है prepaid salary, आपने अपना कोई worker है उसको 5,000 rupees जो salary है पहले से pay कर दी। prepaid salary क्या होता है, सैलरी विच इज नॉट ड्यू बट पेड इन एडवांस।
जो अभी ड्यू नहीं हुई है लेकिन हमने उसको एडवांस में पे कर दिया था। ये हमने पहले पढ़ा था अकाउंटिंग टर्म्स में कि प्रीपेड सैलरी क्या होती है। अच्छा, ये प्रीपेड सैलरी आपके एसेट्स होती है कि लाइबिलिटी होती है, ये भी तो क्लियर किया था। प्रीपेड सैलरी आपकी एसेट्स होती है क्योंकि आपने ड्यू ही नहीं थी देना, ये ऐसा एक्सपेंडिचर है जो ड्यू ही नहीं हुआ था लेकिन आपने एडवांस में पे कर दिया तो उसका फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, और जिसका हमको बेनिफिट मिलना होता है वो एसेट्स कहलाती है। तो प्रीपेड सैलरी क्या हो गई आपकी? एसेट्स हो गई, और वो आपने ऑलरेडी पे कर दी तो आपका केस चला गया। दो जगह इफेक्ट पड़ेगा। नंबर वन, प्रीपेड सैलरी आपकी एसेट्स है। एसेट्स की लिस्ट में एक आइटम लिख दीजिए, प्रीपेड सैलरी, ये आपकी एसेट्स है, ये इंक्रीज हो रही है। नंबर टू, आपने पहले से पे कर दिया तो कैश जा रहा है तो आपका कैश डिक्रीज हो रहा है, और कैश भी आपकी एसेट्स है। इस ट्रांजेक्शन से भी आपके केवल एसेट्स वाले कॉलम में इफेक्ट पड़ेगा। नंबर वन, कैश जा रहा है, कैश डिक्रीज होगा, और ये प्रीपेड सैलरी इंक्रीज होगी। इन दो कॉलम पे इफेक्ट पड़ेगा। देयर विल बी नो चेंज इन क्रेडिटर, लोन और कैपिटल अकाउंट। ओके, हाँ, प्रीपेड सैलरी हम लिख देते हैं कितनी, 20,000 ही कर रही हूं मैं, ये 20,000 प्रीपेड सैलरी, कैश जा रहा है, माइनस कर रही हूं, नो चेंज, और ये प्रीपेड सैलरी आपकी इंक्रीज हो रही है 20,000, और कहीं पे भी कोई चेंज नहीं होगा। ये प्रीपेड सैलरी का इफेक्ट, नंबर वन एसेट्स इंक्रीज होगी प्रीपेड सैलरी अकाउंट में, नंबर टू कैश डिक्रीज होगा। नेट इफेक्ट 421 में से 20 माइनस कर देंगे, 4,01,000, 5,000, 6,000, 2,00,000, 20,000 इज इक्वल टू 2,00,000, इसमें कोई चेंज नहीं, 4,32,000। ऐसे बहुत सारे एडजस्टमेंट थे अपने, ये तो प्रीपेड सैलरी का है। अब है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग रेंट, इसका मीनिंग भी तो पता था अपने को, एक्सपेंसेस विच इज ड्यू बट नॉट पेड, अभी हमने पे ही नहीं किया, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग रेंट। इसका हमें क्या करना चाहिए, कुछ आइडिया आप बता सकते हो? आउटस्टैंडिंग रेंट, एक्चुअल में ये जो रेंट है ये आपके करंट ईयर का है, ड्यू हो गया है तो वो इसी ईयर का है लेकिन हमने अभी उसको पे नहीं किया। अच्छा, पे नहीं किया तो कैश से तो मतलब ही नहीं, कैश जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है क्योंकि हमने इसको पे नहीं किया, तो कैश से तो उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। तो कहां जाएगा, कौन से दो अकाउंट है जिस पे इफेक्ट पड़ेगा? नंबर वन, आउटस्टैंडिंग रेंट, दैट इज द लाइबिलिटी। तो आ जाओ लाइबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग रेंट का एक कॉलम बना लेते हैं। लाइबिलिटी साइड में ऑलरेडी दो कॉलम है, क्रेडिटर और लोन, और एक और कॉलम बन गया आपका आउटस्टैंडिंग रेंट। एक तो ये लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है भाई, 5,000 का आपका आउटस्टैंडिंग रेंट है और इससे आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी साइड में हमने लिख दिया ये 5,000 इंक्रीज हो रहा है, और कहां इफेक्ट आएगा वो सोचते हैं क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट है, अभी तो हमने एक अकाउंट पे इफेक्ट देखा है। दूसरा इफेक्ट, क्योंकि यह इसी ईयर का एक्सपेंडिचर है और इसी ईयर का एक्सपेंडिचर है तो इस एक्सपेंडिचर का हमारी कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा। करंट ईयर का एक्सपेंडिचर होता है तो हमारी करंट ईयर की कैपिटल क्या हो जाती है, इस वजह से डिक्रीज हो जाती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस फॉर दिस ईयर विच इज ड्यू बट नॉट पेड, और क्योंकि ये इस ईयर का है तो इस ईयर की कैपिटल पे जरूर इफेक्ट पड़ेगा, एक्सपेंडिचर है तो हमारी कैपिटल इसकी वजह से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, आउटस्टैंडिंग रेंट में आपका कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, कैश अकाउंट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दो जगह इफेक्ट पड़ेगा। नंबर वन, आउटस्टैंडिंग रेंट आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। नंबर टू, क्योंकि ये इस ईयर का एक्सपेंडिचर है इस वजह से आपकी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी, और कहीं पे भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो फाइनल इफेक्ट, एसेट्स में जीरो चेंज, तो ये दोनों मिला के भी आपका जीरो हो गया। नेट इफेक्ट 4,01,000, 5,000, 6,000, 2,00,000, 20,000 इज इक्वल टू 2,00,000, 5,000, ये आपका आउटस्टैंडिंग रेंट, नया अकाउंट ओपन हो गया है लाइबिलिटी का, प्लस 432 ये ऑलरेडी था, उसमें से 5,000 हमको क्या करने हैं, माइनस करने हैं, 4,27,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अभी दो तीन और बच रहे हैं। Accrued commission, accrued means क्या होता है, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। हमने इनकम अर्न तो कर ली पर अभी रिसीव नहीं की, यानी ये इनकम इसी ईयर की है
हमको इस ईयर मिलनी चाहिए लेकिन मिली नहीं है। क्या होता है ये अक्रूड कमीशन एसेट्स होते हैं कि लाइबिलिटी होती है, भाई हमने काम कर लिया, इनकम इज ड्यू, हमें मिलनी चाहिए, नहीं मिली तो ये एसेट्स हमें फ्यूचर में मिलेगी, इसलिए अक्रूड कमीशन क्या है आपकी एसेट्स है। तो हम आ जाओ वापस एसेट साइड में, एसेट साइड में एक अकाउंट आपका बढ़ जाएगा अक्रूड कमीशन, क्योंकि ये एसेट्स होती है। यहां एक आपका कॉलम बन गया अक्रूड कमीशन, ठीक। ये मान लो 2000 रुपीज है, आ जाइए अक्रूड कमीशन, यहां 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 कुछ भी नहीं आएगा, बस ये अक्रूड कमीशन क्योंकि एसेट्स है और आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही है इसलिए ये यहां पर आएगा। और कहां जाएगा ड्यूअल एस्पेक्ट, अभी तो हमने केवल अक्रूड कमीशन को एसेट साइड में शो किया है क्योंकि इस ईयर की इनकम है तो और हमें रिसीव नहीं हुई है तो ये एसेट्स है, फ्यूचर में रिसीव होगी। चलो एसेट्स में तो शो कर दिया, क्या कैश आया है या कैश का कोई ट्रांजेक्शन हुआ है? नो, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, कैश नहीं आया नहीं गया है। तो क्या ये इनकम इसी ईयर की है? बिल्कुल, ये इनकम हमने काम तो कर लिया है तो ये इनकम इसी ईयर की है, और क्योंकि ये इनकम इस ईयर की है तो इस ईयर की कैपिटल में इसको क्या करना बनता है, एड करना बनता है। तो हम ये जो इनकम 2000 रुपीज है जो क्योंकि इस ईयर की है तो इनकम है, इस वजह से हम इसको कैपिटल में क्या कर देंगे, एड कर देंगे। ओके, कैश में कोई इफेक्ट नहीं होगा, नंबर वन अक्रूड कमीशन एसेट साइड में जाएगा, नंबर टू क्योंकि ये करंट ईयर की इनकम है इसलिए आपके कैपिटल में कैपिटल को इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है अनअर्नड इंटरेस्ट, अच्छा उसके पहले नेट इफेक्ट तो निकाल लें, 401,000 एज इट इज, 5,000, 6,000, 2,00,000 रुपीज, 20,000, ये नया अकाउंट आ गया आपका अक्रूड कमीशन, ये 2,00,000 रुपीज आपका लोन है अभी भी पेंडिंग है, 5,000 आपकी आउटस्टैंडिंग रेंट है, और आपकी जो कैपिटल थी 427 ऑलरेडी थी, 2,000 और आ गई है, 429,000। एक दो ट्रांजेक्शन और बचे हैं। नेक्स्ट अनअर्नड इंटरेस्ट, ये क्या होता है? इंटरेस्ट जो हमने अर्न ही नहीं किया, इस साल हमने काम नहीं किया लेकिन एडवांस में रिसीव कर लिया, अनअर्नड इंटरेस्ट, इनकम डिड नॉट अर्न, हमने इनकम अर्न नहीं की बट रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में हमने ले ली। अच्छा, हमने अभी एडवांस में भले ही पैसे ले लिए, काम तो किया ही नहीं लेकिन पैसे ले लिए, तो कैश तो आ गया है लेकिन काम नहीं हुआ है, तो हमें इसके लिए फ्यूचर में काम करना पड़ेगा, सो इट इज द लाइबिलिटी। अनअर्नड इंटरेस्ट आपकी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड में आ जाइए, ये तीन लाइबिलिटी ऑलरेडी है, एक लाइबिलिटी और बढ़ गई है आपकी, कौन सी? अनअर्नड इंटरेस्ट, क्योंकि हमने फिलहाल काम नहीं किया है लेकिन इसके लिए पैसा हमने ऑलरेडी ले लिया है तो फ्यूचर में हमको इसका काम करना पड़ेगा, सो इट इज द लाइबिलिटी। ये लाइबिलिटी साइड में एक कॉलम और इंक्रीज हो गया आपका अनअर्नड इंटरेस्ट, मान लो 1000 है तो ये अनअर्नड इंटरेस्ट आपका 1000 से इंक्रीज हो गया। ये तो हुआ अभी एक अकाउंट पे इफेक्ट, दूसरा हमने कैश ऑलरेडी ले लिया है, काम नहीं किया लेकिन कैश रिसीव कर लिया है तो कैश में इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, हमारा कैश इंक्रीज हो रहा है। दो जगह इफेक्ट पड़ा अनअर्नड इंटरेस्ट का, हमने पहले से एडवांस पैसा ले लिया है, कैश इंक्रीज हो रहा है, नंबर टू हमें फ्यूचर में इसके लिए काम करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमने काम नहीं किया तो ये लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी भी हमने इंक्रीज कर दी। इसका कैपिटल पे इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा ये भी मैं क्लियर कर देती हूँ। एक्चुअल में अनअर्नड इंटरेस्ट हमने अभी काम नहीं किया है लेकिन पैसा एडवांस में ले लिया है, तो जो काम नहीं किया है, किया ही नहीं, तो क्या इस साल की इनकम है क्या? नो, दिस इज नॉट द इनकम ऑफ दिस ईयर, सो इट विल नॉट बी एडेड टू कैपिटल अकाउंट। आपको कैपिटल अकाउंट में केवल वो ही आइटम लेने हैं जो करंट ईयर से रिलेटेड है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो करंट ईयर से रिलेटेड है क्या? एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू हो गए हैं लेकिन इसीलिए वो करंट ईयर से रिलेटेड है, इसलिए इससे कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन यहां इसका कोई कैपिटल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि अनअर्नड है, हमने अभी इस साल अर्न ही नहीं की, दैट मीन्स ये इस ईयर से रिलेटेड नहीं है, और इस ईयर से रिलेटेड नहीं है तो इस ईयर के कैपिटल में एड भी नहीं होगी। ओके, नेट इफेक्ट 401,000 था और 1000 और हो गया आपका कैश बैलेंस, अब हो गया आपका कैश बैलेंस 402,000, ये 5000 आपका स्टॉक, 6000 आपका फर्नीचर, बैंक बैलेंस आपका 2,00,000, 20,000 आपका प्रीपेड सैलरी, और अक्रूड कमीशन आपका 2,000 एज इट इज है, इधर इज इक्वल टू क्रेडिटर नील है, 2,00,000 आपका लोन चल ही रहा है,
50,000 आपकी आउटस्टैंडिंग रेंट है और 1,000 अभी जस्ट आपका नया आइटम आ चुका है अनर्न्ड इंटरेस्ट, और आपकी कैपिटल एज इट इज है 4,29,000। लास्ट ट्रांजेक्शन और ले लेते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन अब कंप्लीट करते हैं, बहुत लंबा खींच गया है। क्या ट्रांजेक्शन है अब जो एक थोड़ा ट्रांजेक्शन थोड़ा घुमा के है, हमने क्या किया, गुड्स 8,000 की थी, गुड्स फॉर रुपीज 8,000 सोल्ड फॉर 12,000, हमने 8,000 की गुड्स को कितने में सेल किया, 12,000 में, ठीक है। तो हमें कस्टमर से लेने भी कितने हैं, 12,000, लेकिन आगे के रखा है हमने जो 12,000 में आइटम बेचा उसमें से कैश केवल 7,000 आए, इसका क्या मतलब निकला, हमें तो 12,000 लेने थे लेकिन कैश 7,000 ही आए, दैट मीन्स 5,000 की हमारी क्रेडिट सेल है। क्लियर करना पिक्चर को, 8,000 की गुड्स थी, 12,000 में सेल की यानी 4,000 का प्रॉफिट अर्न करके सेल की है, उस 12,000 रुपीज में से कैश सेल, क्योंकि कैश केवल 7,000 रिसीव हुआ है तो 12 में से 7,000 आपकी कैश सेल्स है, तो बाकी के जो 5,000 है दैट इज क्रेडिट सेल विच विल इंक्रीज योर डेटर। ओके, अब हम इस पूरे मैटर को हम अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करते हैं और आज ये अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक यही खत्म करते हैं। नंबर वन, 8,000 की गुड्स को 12 में सेल किया, 8,000 का स्टॉक जा रहा है फर्स्ट, लेकिन अब आपके पास प्रॉब्लम ये होगी आपका जो स्टॉक है वो 5,000 का ही है, फिर वापस वही दिक्कत आ गई, तो हम क्या करें, ये 8,000 की जगह 3,000 ले रही हूं मैं ना, 3,000 के गुड्स को सेल किया हमने 4,000 में, ठीक है, और कैश रिसीव किए हैं 2,000। थोड़ा पिक्चर वापस क्लियर कर रही हूं, ध्यान देना, 3,000 की गुड्स को हमने 4,000 में सेल किया तो 1,000 का क्या अर्न किया हमने, प्रॉफिट अर्न किया, और 4,000 में सेल किया तो रुपए भी 4,000 ही आने चाहिए, लेकिन कैश कह रहे हैं 2,000 ही आए, 2,000 रुपीज ही आए, दैट मीन्स 2,000 तो कैश सेल हो गई और 2,000 आपकी क्रेडिट सेल हो गई। अब इस पिक्चर को क्लियर कर रही हूं अगेन, ध्यान देना, 3,000 के गुड्स को 4,000 में सेल किया, स्टॉक जा रहा है कितने का, 3,000 का, ब्रैकेट में दिखा देंगे, अच्छा 3,000 के गुड्स को 4,000 में सेल किया तो 1,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। पूरी पिक्चर क्लियर करना, 3,000 के गुड्स को 4,000 में सेल किया और उसमें से 4,000 में से 2,000 कैश रिसीव हो गए, दैट मीन्स 2,000 आपकी क्रेडिट सेल है। इस पूरी पिक्चर को हमको यहां प्रेजेंट करना है, हमने 3,000 के गुड्स सेल की, स्टॉक जा रहा है, स्टॉक में से 3,000 माइनस कर दिया, 3,000 के गुड्स को 4,000 में सेल किया तो 1,000 रुपीज का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और जब प्रॉफिट होता है तो हमारी कैपिटल क्या होती है, इंक्रीज होती है, 1,000 रुपीज कैपिटल में लिख देंगे, प्लस कर देंगे, 3,000 की स्टॉक गया, 1,000 का प्रॉफिट हुआ। अब 4,000 का हिसाब किताब क्या रहा, इस 4,000 में से 2,000 तो कैश रिसीव हो गया, दैट मीन्स बाकी का 2,000 क्रेडिट सेल है, तो इससे आपके डेटर्स इंक्रीज हो जाएंगे। कहां कहां इफेक्ट जाएगा, नंबर वन, 2,000 कैश आ रहा है तो 2,000 तो कैश में प्लस कर देंगे, और बाकी के 2, क्योंकि टोटल 4 आने थे उसमें से 2 कैश आए हैं, तो बाकी के 2,000 से आपके डेटर्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ये आपकी क्रेडिट सेल मानी जाएगी, 4 में से 2 कैश आ गए और 2 आपकी क्रेडिट सेल है तो आपके डेटर्स इंक्रीज हो गए। ऐसे करके आप इस ट्रांजेक्शन को शो करोगे और अब वही नेट टोटल लगाना है। अब जब आपके सारे ट्रांजेक्शन हो गए तो आपको टोटल लगानी है, ये टोटल को शो करना, सारी टोटल को फाइनली लेके और देख लेना कि आपकी जो एसेट साइड की टोटल है दैट विल बी इक्वल टू योर लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। करूँ प्रूव, चलो कर ही लेते हैं, 4,02,000 और 2,000 ये तो हो गया 4,04,000, 5 में से 3 माइनस किए आपका स्टॉक बचा फाइनली 2,000, डेटर्स आपके हैं 2,000, फाइनली आपका फर्नीचर है 6,000, आपका बैंक बैलेंस आपने भी काम में नहीं लिया दिखता 2,00,000 रुपीज पड़े हुए हैं, 20,000 आपकी प्रीपेड सैलरी है, 2,000 आपका एक्रूड कमीशन है इज इक्वल टू आपके क्रेडिटर्स नील हैं, 2,00,000 का लोन पे भी नहीं किया पेंडिंग चल रहा है, आउटस्टैंडिंग रेंट आपका कितना था, 5,000 था ना, 5,000 आपका आउटस्टैंडिंग रेंट चल ही रहा है, और 1,000 आपका अनर्न इंटरेस्ट चल रहा है, और कैपिटल 429 पहले थी अभी 1,000 इंक्रीज हो गई प्रॉफिट की वजह से, तो आपकी कैपिटल फाइनली 4,30,000 हो गई। अब आप क्या करोगे, ये सारी ऑल एसेट्स इसकी लगाओ टोटल,
ये सारी एसेट्स है, ये जो होगी ये इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल टू दिस टोटल, आपका टोटल जो है सेम आ जाएगा 636। इधर भी आपका टोटल सेम आएगा 636,000। ऐसे करके आपका अकाउंटिंग इक्वेशन क्लियर होता है। एक एक ट्रांजेक्शन को थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। हालांकि मैंने सारे ट्रांजेक्शन जितने भी आपके बिजनेस से रिलेटेड और जो अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड है सारे ट्रांजेक्शन ले लिए हैं, दैट दे विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू।